मन की बात मन में रखें। कहते हैं कि धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। भाव यह है कि धन हानि, गृहिणी के चरित्र, नीच के शब्द तथा अपने निरादर के विषय में किसी को भी बताने से अपना ही हंसी होती है। अतः इन सब बातों पर चुप ही रहना अच्छा होता है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति को धन नाश पर मानसिक पीड़ा होती है, वह विपन्नता का अनुभव करता है। यदि पत्नी दुष्चरित्र हो तो इस दशा में भी उसे मानसिक व्यवस्था सहनी पड़ती है। यदि कोई दुष्ट उसे ठग लेता है अथवा कोई व्यक्ति उसका अपमान कर देता है तो भी उसे दुखी ही होता है। परंतु बुद्धिमता इसी में है कि मनुष्य इन सब बातों को चुपचाप बिना किसी दूसरे पर प्रकट किए सहन कर ले, क्योंकि जो इन बातों को दूसरे पर प्रकट करता है अपमान के साथ साथ लोग उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। इसलिए उचित यही है कि इस प्रकार के अपमान को विष समझ करके चुपचाप ही पी लेना चाहिए। लाज संकोच देखकर करना चाहिए। किन किन जगह पर लाज संकोच करना चाहिए चलिए हम जानते हैं। कहते हैं कि धन और अनाज के लेन देन, विद्या प्राप्ति करते समय, भोजन तथा आपसी व्यवहार में लाज न करने वाला सुखी रहता है। भाव यह है कि निम्नलिखित बातों में लाज नहीं करना चाहिए। किसी को धन उधार देते समय, किसी से लेते समय या किसी से अपना पैसा वापस लेते समय या अनाज आदि के लेन देन में किसी प्रकार का लाज संकोच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार विद्या ग्रहण करते समय यदि कोई बात समझ में न आए तो किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय अथवा किसी भी प्रकार के बात व्यवहार में संकोच नहीं करना चाहिए। मनुष्य के लिए उचित है कि वह लेन देन में लिखा पढ़ी कर ले। विद्या के संग्रह में और खाने पीने के मामले में भी यदि संकोच करेगा तो भी संबंध स्थिर नहीं रह पाएगा। संबंधियों से व्यवहार में भी मधुर, सत्य एवं स्पष्ट रहना चाहिए। अतः आवश्यक यह है कि व्यक्ति को संकोच छोड़ करके सदा सच्ची बात करनी चाहिए और व्यवहारिक मार्ग अपनाना चाहिए। पैसे के लेन देन में हिसाब किताब जरूरी होता है। संतोष बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं कि संतोष अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है वह सुख शांति धन के पीछे इधर उधर भागने में नहीं मिलती है। भाव यह है कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतोषी होता है उसे परम सुख और शांति प्रदान होती है। धन की चाह में इधर उधर दौड़ भाग करने वाले को ऐसे सुख शांति कभी नहीं मिल पाती। मनुष्य की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है। व्यक्ति की कामनाएं और इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती है। इस तरह से इच्छाओं के बढ़ने से व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का भटकाव बना रहता है। जो व्यक्ति जितना प्रभाव का होता है उसमें संतोष कर लेना चाहिए, उससे ही सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि संतोष को का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी ही स्त्री से संतोष करना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर, उसकी पत्नी है, यही बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से व्यक्ति को जो भोजन प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करना चाहिए, अपनी रूखी सुखी भली जो भी हो। आजीविका से प्राप्त धन के संबंध में भी विचार है कि व्यक्ति को असंतोष में खेद या दुख नहीं करना चाहिए, इससे उसकी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। यदि ऐसा नहीं करता है तो वह अपने आप को निरंतर दुखी पाता है। इसके विपरीत चाणक्य का यह भी कहना है कि शास्त्रों के अनुसार प्रभु के नाम का स्मरण और दान कार्य में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। ये तीनों बातें अधिक से अधिक करने की इच्छा करनी चाहिए, इनसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख मिलता है। वस्तुतः प्रायः ऐसा समझा जाता है कि जो कुछ व्यक्ति अपने भाग्य में लिखकर आया है उससे प्रयत्न करने पर भी नहीं बदल सकता। इसलिए यदि वह इन बातों को संबंध में संतोषपूर्वक जीवन बिताएगा तो उसे हानि नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो आज है कल नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव शुभ कार्यों में ही लगा रहे। मनुष्य को इनसे बचना चाहिए। कहते हैं कि दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और आगे के बीच से,
मालिक और नौकर के बीच से, पति और पत्नी के बीच से तथा हल और बैल के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। इनसे हमेशा ही बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ दो व्यक्ति खड़े हो अथवा बैठे हुए बात कर रहे हों, वहाँ किसी को उनके बीच में नहीं जाना चाहिए और न ही वहाँ से निकलना चाहिए। यदि दो ब्राह्मण खड़े हो तो उनके बीच से न गुजरना चाहिए। भाव यह हो सकता है कि वे किसी शास्त्र चर्चा में लगे हो। इसी तरह से आग के बीच से भी नहीं गुजरना चाहिए। पति पत्नी, स्वामी और सेवक जब कोई बात कर रहे हो तब उनके पास नहीं जाना चाहिए और न ही उसके मध्य से ही गुजरना चाहिए। इसी प्रकार हल और बैल के बीच में से गुजरने की भी माना ही है, क्योंकि इससे चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इस तरह से देखें तो व्यक्ति को गुजरते समय आसपास का माहौल देकर के गुजरना चाहिए। आग गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चों को पांव से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना असभ्यता है। ऐसा करने से उनका अनादर होता तो ही है, अपेक्षा भाव भी प्रकट करता है। उनको पैर से छूना अपनी मूर्खता प्रकट करता है, क्योंकि ये सभी आदरणीय, पूज्य और प्रिय होते हैं। बैल से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं। उससे बचने के लिए तो आवश्यक पड़े तो देश को भी छोड़ देना चाहिए। इन वस्तुओं से दूर रहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी में जूते हुए बैल आदि से चोट लग सकती है, घोड़े से दुलती लग सकती है और हाथी से भी दूर रहना उचित होता है। परंतु दुष्ट व्यक्ति से तो इस प्रकार बचना चाहिए कि उसकी सूरत भी देखने को न मिले। इसलिए चाणक्य के मत के अनुसार उनसे बचने के लिए जहाँ वह रहता है उस स्थान को भी त्याग देना चाहिए। कहते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ से, सिंह वाले पशुओं को हाथ या लकड़ी से तथा दुष्ट को खड़ग हाथ में लेकर के पीटा जाता है, तब वो शांत रहता है। आशय यह है कि हाथी को अंकुश से पीट करके बस में किया जा सकता है, घोड़े को हाथ से पीटा जाता है, गाय भैंस आदि सिंह वाले पशुओं को हाथ से या लाठी से पीटा जा सकता है, किंतु दुष्ट को पीटते समय हाथ में खड़क या कोई अन्य हथियार अवश्य होना चाहिए। दुष्ट को हाथ में हथियार लेकर ही सीधा करना चाहिए। अच्छाई की माया उसकी समझ में नहीं आती है या लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण तो भोजन से प्रसन्न होते हैं, मोर बादल के गर्जने पर आनंदित हो उठते हैं, सज्जन दूसरों की संपन्नता सुखी देकर के खुश हो जाते हैं, किंतु दुष्ट तो दूसरे की विपत्ति को देख करके खुश होते हैं। यह बहुत ही बड़ी विचित्र बात है। यह है कि ब्राह्मण भोजन मिलने पर मोर बादलों की आवाज़ सुनकर तथा सज्जन दूसरों के सुख, आनंद, धन संपदा आदि को देख करके प्रसन्न होते हैं, किंतु दुष्ट को दूसरे की खुशी देख करके दुख होता है। वह दूसरे को दुखी देखकर ही प्रसन्न रहता है। कहते हैं कि बलवान शत्रु को उसके अनुकूल चल करके, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चल करके तथा समान बल वाले शत्रु को बिने से या बल से बस में करना चाहिए। आशय यह है कि यदि शत्रु अपने से अधिक बलवान हो तो उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। यदि अपने समान ही बलवान हो तब या तो उसके साथ विनम्रता से रहना चाहिए या उसका मुकाबला बल से ही करना चाहिए, किंतु दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।